वेलकम व्यूअर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर सेकंड चैप्टर द कंटर विले गोष्ट जो आपका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम द कैंटर विले गोस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एज ऑलवेज यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड जो आपका सेकंड चैप्टर जिसका नाम द कैंटर विले गोस्ट यहाँ आसर वर्ल्ड की वन ऑफ द फेमस इंटरेस्टिंग और सा बहुत ही लेंदी स्टोरी है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर लाइन बाई लाइन आई वुड लाइक टू ब्रीफली समराइज दिस स्टोरी इन हिंदी सो डैट विल अंडरस्टैंड होल चैप्टर नाइसली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली तो स्टोरी स्टार्ट होती है हिरोम बी अमेरिका के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति जब वह इंग्लैंड के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पर एक केसल को देखते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है और केसल को ख़रीदने की कोशिश करते हैं जो केसल का मालिक लगातार वार्निंग देता है कि इस इस केसल के अंदर हमेशा भूत र, आते जाते रहते हैं ये भूतों का अड्डा इसको मत खरीदिए आप परेशान हो जाते हैं परेशान हो जाएंगे लेकिन चूँकि ओटिस मेरी बहुत ही प्रोग्रेसिव अनऑर्थोडॉक्स है वो इस भूतूप विश्वास नहीं करती है वो कहती है कि मैं इसको खरीद मैं इस मैं इसको खरीदना चाहता हूँ और मैं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता जो इस घर की जो हाउस कीपर हैं जिनका नाम है ओमिनी वो लाइब्रेरी में खून के दब्बों को परिवार के सदस्यों को दिखाती है और वार्निंग देती हैं इस इस इस, इस खून के दब्बे को कभी हटाया नहीं जा सकता इस बात का संकेत इस बात का सबूत है कि यहाँ पे भूत रहता है और इसीलिए इसीलिए खून का धब्बा है जिसको कभी हटाया नहीं जा सकता लेकिन वाशिंगटन जो कि हीरोम बी ओटी का बड़ा बेटा है वो इस खून के धब्बे को हटा देता है लाइब्रेरी के फ्लोर से हटा देता है फिर अगली सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं फिर वैसा ही खून का धब्बा बना हुआ था बना रहता है लाइब्रेरी के फ्लोर फिर उसको हटा देता है इस तरह प्रक्रिया चलती रहती है बहुत लगातार वो खून के धब्बे से धब्बे लाइब्रेरी के फ्लोर बनाता रहता है और वाशिंगटन इसको बार बार हटा देता है बहुत भरसक प्रयास करता है परिवार के सदस्य को इस तरह से डरा वहां से भगा देगा लेकिन वह अपने काम में विफल हो जाता है जो इस परिवार के जो ट्विन्स होते हैं वो भूत को बार बार तंग करते हैं कभी उसे पिलो चला कर मारते हैं कभी उस पर कभी उसके रास्ते में ट्रिप वायर लगा देते हैं जिससे भूत गिर जाता है कभी उस, उस आ, कभी उसे बटर स्लाइड से गिरा देते हैं और कभी 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 उसे ठंडे पानी से उसके ऊपर फेंक देते हैं जिससे उसका पूरा कपड़ा गीला हो जाता है इस तरह से भूत बिल्कुल परेशान हो जाता है बिल्कुल हार जाता है आप अंतिम प्रयास करता है अपने प्र, ताकि परिवार के सदस्यों को डरा सके वो क्या करता है अपने जो अपना चैन होता है उसे खटखट की आवाज़ें निकालता है ताकि इस इस डरावनी आवाज़ से लोग वहाँ से भाग निकले लेकिन जो परिवार के सदस्य इस, इस इस चीज़ को बहुत ही जेंडिल देखते हैं बहुत ईजिली लेते हैं और बता उसे एडवाइस करते हैं कृपया करें उसमें आया लगाए लुब्रिकेंट लगाए ताकि इतना साउंड ना प्रोड्यूस करें हम लोग आराम से यहाँ पर सो सकें बहुत और गुस्से से हो जाता है वर्जीनिया जो इस परिवार की एक मात्र बेटी है वो इस भूत के प्रति बहुत ज़्यादा सिम्प सिंपैथी रखती है बहुत ज़्यादा सिंपथाइज करती है और उससे जानने की कोशिश करती है क्यों ऐसा करता है भूत बताता है पिछले तीन सौ सालों से वो सोया नहीं है और बताता है कि जब वो जिंदा था उसने अपनी वाइफ़ का मर्डर कर दिया था जिसके चलते उसके भाइयों ने उसको चैन से बाँध करके चैन से बांध दिया और उसे बिना खाना बिना खाना खाना नहीं दिया और जिसके चलते उसकी हत्या हो गई और उसकी मृत्यु होने के बाद उन्होंने बिना लास्ट राइट किए बिना अंतिम संस्कार किए उसे वहीं पे उसके इस बाड़ी को छोड़ दिया जिसके चलते वो भूत बना हुआ और तब से इस घर में रहता है और इसको अकुपाई करके रखा है अगर उसके लिए प्रार्थना की जाए अगर उस उसके डेड बाड़ी को अगर अंतिम संस्कार किया जाए तो उस वो इस जगह को छोड़ देगा सबको शांति से रहने देगा तो वर्जीनियन जब ये कहानी अपने परिवार के सदस्य को बताती है तो परिवार के सदस्य एग्री हो जाते हैं और फाइनली सब मिलकर उसके उसके डेड बॉडी को डिस्कवर करते हैं उसका अंतिम संस्कार करते हैं और इसके बाद जो भूत जो होता है वह अब ब्लड स्टैंड बनाना बंद कर देता है साथ साथ चैन की खटखट की जो आवाज़ें आ रही थी वो बिल्कुल बंद हो जाती है इस तरह से आपकी जो कहानी होती है कंप्लीट होती है नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टेक्स्ट एन अमेरिकन फैमिली मूव टू केसल हंटेड बाई द घोष्ट ऑफ एन इंग्लिश नोबल मैन एक अमेरिकन फैमिली वो एक कैसल में जाती है एक दुर्ग में जाती है किले में जाती है रहने के लिए जिसमें भूत रहते हैं और ये जो किला है जो घर है वो एक इंग्लिश नोबल मैन का है द घोष्ट ट्राई टू फ्राइटन द फैमिली मेम्बर ऑफ द कैंटर विले कैसल जो घोष्ट है वो कैंटर विले कैसल के रहने वाले सदस्यों को डराने की को कोशिश करता है उन्हें फ्राइटन करने की को कोशिश करता है succeed, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है No one is इस घर में कोई भी सदस्य फ्राइटेड नहीं, नहीं है डरा हुआ नहीं है हाउ डज द फैमिली फेस कैसे परिवार घोष्ट को फेस करता है सामना करता है द नेक्स्ट डे द घोष्ट वॉज वेरी वीक एंड टायर्ड अगले दिन जो घोष्ट था बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया बहुत ज्यादा थक गया था दसाइटमेंट ऑफ द लास्ट फोर वीक्स वॉज बिगिनिंग टू हैव इट्स इफेक्ट द टेरिबल एक्साइटमेंट जो भयानक जो भयावह एक्साइटमेंट थी वो थी जो पिछले चार सप्ताह से चल रही थी उसी के प्रभाव के चलते जो भूत सा बिल्कुल कमजोर हो गया था बहुत ज़्यादा थक गया था इज नर्वस वेयर कम्पलीटली सेटर्ड जो उसकी नर्व थी उसकी जो उसकी शक्ति थी उसकी जो स्ट्रेंथ थी बिल्कुल शटर्ड हो गई थी बिल्कुल टूट चुकी थी वो पूरी तरह से भूत टूट चुका था बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका था

पाँच दिनों तक पिछले पाँच दिनों तक जो भूत उस कमरे में रहा और अंत में उसने निर्णय कर लिया फैसला कर लिया कि अब ब्लड स्टेन से कोई मार्क कोई भी स्टेन कोई भी मार्क कोई भी स्टेन नहीं बनाएगा लाइब्रेरी के फ्लोर पर ठीक है क्योंकि जो अगर परिवार नहीं पसंद करता है इसलिए नहीं पसंद करता है तो लाइब्रेरी के फ्लोर पर कोई भी ब्लड मार्क ब्लड स्टेन नहीं बनाएगा इफ़ द ओटिस फैमिली डी नॉट वॉन्ट इट देड की लेडी नॉट डिजर्व अगर ओ फैमिली ये नहीं चाहती थी और साफ है कि वो इसको डिजर्व भी नहीं करती इसके काबिल भी नहीं थी देवी आर एविडेंटी पीपल ऑन लो मेटेरियल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड क्वाइट इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द सिंबोलिक वैल्यू ऑफ सेंसुअस फिनमिना देवी आर एविडेंटी पीपल आर लो मेटेरियल एग्जिस्टेंस ये लो क्वालिटी के लिए ये छोटे लोग थे ये साफ ये बिल्कुल जो ओटिस छोटे लोग थे एंड क्वाइट इनकेबल बिल्कुल असमर्थ थे तारीफ करने के लिए सिंबॉलिक फिनिना जो जो प्रतीकात्मक या सिंबल जो खून के ब्लड से या ब्लड स्टेन से जो भी जो भी आर्ट बन रहा था उस आर्ट को अप्रिशिएट करने के काबिल नहीं था यह परिवार जो ओटिस फैमिली थी खून के दबों से जो आर्ट बन रहा था जो भूत आर्ट बना रहा था उस सिंबॉलिक प्रतीकात्मक प्रतीक को ये परिवार तारीफ करने के लायक नहीं था या उसको तारीफ करना नहीं चाहता इसलिए भूत ने फाइनली फैसला किया अब इस तरह के ब्लड मार्क लाइब्रेरी के फ्लोर पर नहीं बनाएगा क्योंकि परिवार इसके काबिल नहीं है क्योंकि परिवार इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है द क्वेश्चन ऑफ फनाटिसमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रल बॉडी वॉज ऑफकोर्स क्वाइट डिफरेंट बैटर एंड रियली नॉट अंडर हीज़ कंट्रोल द क्वेश्चन ऑफ फनाटिसमिक अप्रेशन जहाँ तक भूत प्रेत की जहाँ तक भूत प्रेत की बात थी एंड और उसके शरीर में जो विकास हो रहा था यानी उसके शरीर भूत प्रेत जैसा हो जा रहा था ये बिल्कुल अलग मामला था एंड रियली नॉट अंडर हीज़ कंट्रोल और उसके कंट्रोल में नहीं था यानी उसका जो बॉडी था उसका शरीर था एक भूत प्रेत का जैसा बन जाता था ये बिल्कुल अलग बात थी और साथ साथ इसके यानी भूत के कंट्रोल में जो जो भूत था उसके कंट्रोल में नहीं था क्यों उसका शरीर भूत जैसा मन जाना था ये बिल्कुल उसके कंट्रोल में नहीं था इट वॉज इज सोलमैन ड्यूटी टू अपियर इन द कॉरिडोर वंस वीक ये उसकी सोलमैन ड्यूटी थी एक बहुत ही पवित्र बहुत ही गंभीर ड्यूटी थी कि सप्ताह में एक बार कॉरिडोर में प्रकट होना ये उसकी मेन ड्यूटी थी एंड टू गिअर फ्रॉम द लार्ज ओरियल विंडो ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड वेंशन इन एवरी मंथ और साथ साथ जो लास्ट

पूर्वक अपने इस कर्तव्य से अपने मेन ड्यूटी से बच निकल सकता था इट्स क्वाइट ट्रू डैट ये बिल्कुल साफ था ये बिल्कुल सत्य था कि हिज लाइफ हैड His life had been very evil. ये बिल्कुल बात सही थी कि उसकी जो लाइफ थी यानी बिल्कुल बहुत ही खराब रही थी बहुत ही बुरी रही थी बट अपान अदर हैंड लेकिन दूसरी तरफ ही वॉज मोस्ट कंसेंटियस इन ऑल थिंग कनेक्टेड विद द सुपर लेकिन उस

फॉर नेक्स्ट थ्री सैटरडे पिछले तीन सैटरडे से इसी अनुसार वो ट्रावर्स्ड करता था कि तदा अनुसार वो क्या करता कॉरिडोर को पार करता था एज़ यूजल बिटवीन मेन डायरेक्टर मध्य रात और तीन बजे के बीच वो कॉरिडोर को गलियारे को पार करता था टेकिंग एवरी पॉसिबल प्रिकॉशन वो हर संभव प्रिकॉस हर संभव सावधानी लेता था ताकि कोई उसे देख ना सके ताकि उसकी आवाज़ कोई सुन ना सके अगर सुन लेगा तो जाग जाएगा और उसकी इसका परिवार थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा ही रिमूव्ड हिज बूट्स ट्रॉड पॉसिबल ईटर बोर्ड्स उसने अपने जूते निकाले और जितना जितना संभव हो सके आराम से वाम ईटर बोर्ड पर चढ़ा और लार्ज ब्लैक वेलवेट क्लॉक और लंबा सा काला सा मकमल का क्लॉक था चुंगा था तो वो पहन लिया एंड वॉज केयरफुल टू यूज राइजिंग लुब्रिकेटर फॉर आलिंग बहुत ज्यादा सावधान था बहुत ज्यादा केयरफुल हो गया जब वो लुब्रिकेटर यूज़ कर रहा था अपने चैन को जब खटखट की आवाजें आ रही आवाज आपके चैन की वजह से हम सो नहीं पाते तो वो जब सावधानी पूर्वक लगा रहा था, वो था, था, ताकि परिवार के कोई भी सदस्य जाग ना सके ताकि कोई भी परिवार परेशान ना हो सके आई एम बाउंड टू एक्नॉलेज दैट इट वॉज विम हिमसेल्फ टू एडोप्ट

हाउ बर वन नाइट एक रात के वह जब जब पूरा परिवार डिनर पर था ही स्लिप इन टू मिटर ओटिस बेडरूम ओटिस के बेडरूम में चला गया वहाँ से बॉर्डर उठा लिया यू फेल्ट आ लिटिल्यूमिलेटेड एट फॉर और शुरुआत में बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हुआ शुरुआत में उससे थोड़ा इंसल्ट हुआ बट आफ्टरवर्ड्स वाज सेंसिबल इनफ टू सी दैट देयर वाज ग्रेट डील टू बी सैड फॉर द इन्वेंसन लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा समझदार हो गया बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो गया देख देख कर की देर वॉज अ ग्रेट डील टू बी सैट बहुत ज़्यादा पर्याप्त कहना कि कहना कि इस संविष्कार के लिए कहना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड सर्टेन डिग्री कुछ हद हाँ तक इट इट सर्व हिज परप कुछ हद हाँ तक ये जो होलिया था उसके पर्पज को उसे उद्देश्य को मतलब सर्वे किया यानी जो उद्देश्य था बच निकलने का वो कुछ हद हाँ तक सर्वे किया स्टील इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग ही वॉज नॉट लेफ्ट अनमोलिस्टेड इन सबके बावजूद भी वो अनमोलिस्टेड नहीं यानी कि उसके साथ छे की गई यानी बच्चों ने उसको तंग किया परेशान किया उसके साथ प्रैंक किया बहुत सारे गुलिया बदल लिया इसके बावजूद भी यानी किसी को परेशान भी नहीं किया फिर भी भूत को परेशान बच्चों ने परेशान किया स्टील इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग ही वॉज नॉट लेफ्ट अनमोलिस्टेड इन सबके बावजूद भी उसे तंग किया गया उसे परेशान किया गया String were continually being stretched across the corridor over which he tripped in the dark. And one occasion, while dressed for the part of Black Isaac of Huntsman of Ugly Woods, he met with a severe fall through the treading on a um, uh, butter slide which twins constructed from the entrance of the topstick chamber of the top of the oak staircase. स्टील इन द स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इन सब के बावजूद वो उसे उसे तंग किया गया उसे परेशान किया गया स्टिंग वेयर कंटिन्यू बींग स्ट्रेच अक्रॉस कॉरिडोर के चारों तरफ लगातार जो डोरी से बांधे जाते हैं स्ट्रिंग बांधे जा रहे थे ओवर ब्रिच ही ट्रिप इन द डार्क इसमें अंधेरे में जाकर उस डोरी से जाकर वो डोरी में जाकर वो फंस गया रस्सी से जाकर फंस गया अन वन ओकेजन एक अवसर पे उसने एक ड्रेस पहन लिया था पार्ट ऑफ जो एक पार्ट खेले के जिसका नाम था ब्लैक आइजक ऑफ हंडसमैन ऑफ उगली उड्स जब ये पहना तो ही मेट विथ सिविर फॉल लेकिन अब पहने पर बहुत ज़्यादा बहुत बार गिरा बहुत गंभीर रूप से गिर गया थ्रू द ट्रेडिंग ऑन एट बटर जब बटर स्लाइड के ऊपर ऐसे होता है बटर स्लाइड जब चढ़ रहा था तो बहुत गंभीर रूप से गिर गया

दिस लास्ट इंसल्ट ये जो फाइनल इंसल्ट जब बटर स्लाइड से बहुत गंभीर रूप से गिर गया तब ये जो इंसल्ट था उसे गुस्से में दिला दिया बहुत ज्यादा वो आग बगूल अ क्रोधित हो गया डेट ही रिजॉल्व उसने पक्का यकीन कर लिया टू मेक अ फाइनल एफर्ट अब अंतिम प्रयास करने का टू अ सर्ड हि रीनिंग ताकि अपनी गरीब अपनी प्रतिष्ठा को बचा सकें अपनी सोशल सामाजिक पोजिशन को बचा बचाने के लिए वो अंतिम प्रयास किया डिटरमाइंड टू विजिट यंग इटोनियस नेक्स्ट नाइट इन द सेलिब्रेटेड करेक्टर ऑफ रेकलेस रूपरेट ऑफ हेडलेस ऑल और साथ साथ इस बात को तय कर लिया कि वो विजिट करेगा इंसॉलेंट यंग एटोनियस नेक्स्ट नाइट को ताकि अपनी सेलिब्रेटेड करेक्टर जो फेमस करेक्टर था करेक्टर था जिसका नाम है रैकलैस रपट ऑफ हेल्डस ऑल उस ताकि वो अपना सके इसके लिए वो बिल्कुल तैयार हो गया ही हैड नॉट अपीयर इन दिस डिस्काइज फ्राम मोर देन सेवेंटी ईयर्स इस अपियरेंस में इस होली में पिछले सत्तर से लगभग सत्तर सालों से नहीं आया था उस होलिये में अब जाने का फैसला किया ताकि परिवार के सदस्य को दरा सके इनफैक्ट नॉट सिंस ही हैड सो फ्राइटन लेडी बारबरा मोडिस बाय मेन्स ऑफ इट इनफैक्ट मैं असल से तब से नहीं जब उसने एक बार बहुत सुंदर सी लेडी थी महिला थी इसका नाम था लेडी बारबरा को इस माध्यम से यानी कि जो सेलिब्रेटेड करेक्टर इस माध्यम से डरा दिया तब डरा तब से, ये से इस रूप में नहीं आया था पिछले सत्तर सालों से इस रूप में नहीं आता और जब आया था सत्तर साल पहले तो उस सुंदर महिला थी इस घर की जिसका नाम था लेडी बारबरा मॉडिस इस माध्यम से उसको डरा दिया था डैट सी सडनली ब्रोक ऑफ आर इंगेजमेंट विद द प्रजेंट लॉर्ड कैंटरविलेज ग्रैंडफादर तब उसने क्या उस, उस महिला की सगाई होती उस समय के प्रजेंट लॉर्ड थे जो जो लॉर्ड के फादर उसके साथ उसकी सगाई होती उस महिला ने अपनी सगाई तोड़ दी क्योंकि उसे भूत का एहसास हुआ इतना डरावने इतना फियरसम भूत का आभास हुआ कि वो तत्काल वो सगाई तोड़ दी एंड रन अवे और भाग गई ग्रेटा ग्रीन द वर्ल्ड वुड इंड्यूस हर टू मैरी इन टू फैमिली दलाउड टू सच हॉरिबल फैंटम टू वॉक अप डाउन टेरिस टू लाइट ठीक है डिक्लिंग नथिंग और साथ से उसने घोषणा की कि नथिंग इन द वर्ल्ड कोई भी कोई भी चीज़ संसार में उसे राज़ी नहीं करेगी एक ऐसे परिवार में शादी करने के लिए जो परिवार क्या करते हैं रात को अपने रात को संध्या के समय अपने टेरी से भूतों भूतों को आने का अनुमति देता है या जिसके जिसके घर में संध्या के समय शाम के भूत आते रहते उस परिवार में को, कोई भी मुझे राज़ी नहीं करेगा शादी करने के लिए पुअर जैक आफ्टर वर्स शॉट एंड डूए लॉर्ड कैंटरविले एंड वर्स कैमन लेडी बर्बर ब्रोकन हार्ट टम्बर वील बिफोर द ईयर्स वॉज आउट एंड सो एवरी वे इट हैड बीन ग्रेट सक्सेस तो पुअर जैक जिसके साथ इसकी जो वाइफ थी जिसको इंगेजमेंट हुई सगाई हुई थी वो भाग गई थी तो उसको उसको इसने लॉर्ड कैंटरविल्ड लॉर्ड कैंटरविले ने उसको शूट करके मार दिया और जिसके साथ ही जो लेडी बर्बर थी वो वो भी मर गई और ये सब कुछ क्या था भूत के कारण हुआ था इसलिए भूत का ये बहुत बड़ी सफलता थी यानी जो घोष था उसकी बड़ी बड़ी सफलता थी बहुत बड़ी सफलता थी इसके चलते उसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था तो ये रेकलेस जो, 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 जो हेडलेस अर्ल था इस रूप में अब वो आया था कि पिछले सत्तर सालों से नहीं था क्योंकि इस घटना के बाद वो कभी इस रूप में नहीं आता तो उसने फैसला किया आज वो रूप अपना लेगा ताकि परिवार का सदस्य यहाँ से डर कर यहाँ से चल छोड़कर चले जाए इट वॉज हाउर एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेकअप भले ही ये बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेकअप ये मेकअप यानी इस होली को अपनाने की बहुत कठिनाई थी यानी इस होली को अपनाने की बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी बहुत uh, समय लगता बहुत कठिनाई करनी पड़ती थी इफ़ आई मे यूज सच थेरिटिकल एक्सप्रेशन इन कनेक्शन विथ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ द सुपर नेचुरल इम्प्लाय मोर साइंटिफिक टर्म हायर हायर नेचुरल वर्ल्ड टू लुक हिम फूली फूली थ्री मोर मो थ्री आवर्स टू मेक हिज प्रिपरेशन अगर मैं साइंटिफिक बताया था तो इस प्रिपरेशन के लिए यानी इस होली में तैयार होने के लिए कम से कम भूत को कम से कम तीन घंटे लगेंगे तब जाके भूत जो है हेडलेस अल के रूप में आएगा या रेकलेस रोपेट के रूप में आएगा जो बहुत ज्यादा डरावना था बहुत ज्यादा भयानक था जिसे परिवार के सस्या डर सकते थे इस रूप में आने के लिए कम से कम उसे तीन घंटे लगेंगे और जिसके चलते वो बहुत बड़ा हादसा हुआ था इसके बाद उसने सत्तर साल इस हाथी इस रूप में नहीं आया था तो बिल्कुल जो भूत था था। बहुत अपने इस होलिया क्वार्टर पास्ट वन और सवा एक बजे क्लाइडेड आउट ऑफ तो देंटिंग क्रैप डाउन दॉरिडोर वेन्स्कोटिंग से होते हुए धीरे धीरे दे, कॉरिडोर में वो आ गया भूत अब वो आ गया होली से बहुत ज्यादा खुश था और इस होली में धीरे धीरे वो अब नीचे आने लगा ऑन रीचिंग रीचिंग द रूम आपको पायड बा जब रूम पे पहुँचा तो वहाँ पे जो दोनों ट्विन्स थे उस रूम को कब्जा कर रखे थे विच आई शुड मैं वॉज कार्ड ब्लू ब्लेड चम्बर जिसे में मुझे कहना चाहिए ये ब्लू ब्रेड चैम्बर था ऑन अकाउंट ऑफ कलर ऑफ इट्स हैंगिंग जो जो कलर हैंगिंग कर रहे थे झूल रहे, रहे थे इसके चलते इसका नाम ब्लू ब्रेड चम्बर था ही फाउंड द डोर जस्ट एज अट उसने पाया कि दो, जो डोर था थोड़ा सा हल्का सा खुला हुआ था वो विसिंग टू मेक एन इफेक्ट एंट्रेंस उसने विश किया उसने इस जजाल की बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कमरे में प्रवेश करेगा ही फ्लंग इट्स वाइट ओपन उसने दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया वैन द हैवी जग ऑफ वाटर फिल राइट डाउन हीम तभी अचानक क्या हुआ भरा हुआ पानी का जो जग था भरा हुआ बग था उसके ऊपर गिर गया वेटिंग him टू द सी स्किन उसका पूरा पूरा चमड़ी सहित पूरा पूरा कपड़ा गीला हो गया जस्ट मिसिंग हिज लेफ्ट शोल्डर अ कपल ऑफ इंच और साथ साथ जो लेफ़्ट हो जाए वो छोड़कर बाकी पूरा शरीर उसका गया उस पानी में वेट हो गया एट द सेम मोमेंट ही हर्ड द स्टाइफल तभी उसने उसी पर उसने कुछ आवाज़ें सुनी स्टाइफल द स्रीक ऑफ लाफ्टर प्रोसीडिंग फ्रॉम द फोर पोस्टर बेड तभी उसने दबे हुए दबे हुए आवाज से ठट्टा मारने की आवाज़ें सुनी जो कि बेड से आ रही थी जो ट्विंस थे और वो हंस रहे थे क्योंकि भूत के ऊपर उन्होंने पानी गिरा दिया था भूत पूरी तरह से भींग चुका था उसके बाएं लेफ्ट को छोड़कर आम को छोड़कर पूरा शरीर उसका भींग चुका वेट हो चुका था तो अब जो ट्विंस थे इस कारनामे को देखा बहुत ज़्यादा ठट्टा मारकर मुँह दबाकर हंसने लगे द शॉक टूज नर्वस वॉज सिस्टम आज सो ग्रेट ये शॉक उसके नर्वस सिस्टम के बहुत ज्यादा ग्रेट और बहुत ज्यादा बड़ा था फ्लैड बैक टू हीज हार्ड एज ही कोड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भूत अपने कमरे में द्वारा भाग गया नेक्स्ट डे अगले दिन ही वॉज लेडअप विद द सीवियर कोड अगले दिन उससे बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया यानी ठंड पड़ी थी पूरे पानी में नहा लिया था इसलिए भूत को बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया दर्ली थिंग डैट ऑल कंसोल्ड ही एक ही चीज़ उसे कंसोल करके रखी थी उसे तसली दे रही थी सात्वना दे रही थी होल अफेयर वाज द फैक्ट डेट ही एड नॉट ब्राट हेड विथ ही इस मामले में अपना हेड नहीं, नहीं लाया था हेडलेस गया था हेड नहीं लाया था फॉर ही हैड है फॉर हैड ही डन सो अगर ऐसा किया होता कॉन्सिक्वेंस माइट हैव है वेरी सीरियस यानी अगर सर के साथ गया होता अगर भूत अपने सर के साथ गया होता तो जग उसके सर के ऊपर गिर गया होता यानी इसका पढ़ना बहुत ही भयावह होता बहुत ही भयानक होता ही नाउ की ब ऑल ऑफ होप एवर फ्रैटनिंग दिस रूड अमेरिकन फैमिली इसलिए अभूत ने सारे अपनी आशा सारी उम्मीदें छोड़ दी कि कभी भी इस अशिष्ट अदबेदब जो अमेरिकन फैमिली उसको ड्रापाने का जो खाप दिया जो सपना था जो उम्मीद थी उसने छोड़ दिया अने कंटेंटेड हिमसेल्फ एज अ रूल और अपने आप को उस रूल में संतुष्ट कर लिया जो जो था वो चीज जो चीज़ है उसके पास थी उसी में वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया विथ द क्रीपिंग अबाउट द पैसेज उतरते हुए इन द इन द लिस्ट स्लीपर विदीक रेड मफलर राउंड हीज थ्रूड फॉर फीयर ऑफ ड्रॉट और साथ साथ उस तरीके से अपने गले में मोटासा मफलर बांध दिया ताकि फीयर ऑफ ड्रॉट ताकि बूथ की जो जो पानी के बूंदें उसके ऊपर न अच्छी तरह से घिर न सके यानी दोबारा घिला ना हो सके इसलिए उसने मफलर अपने गले में बांध दिया एंड इस्मॉल एंड स्मॉल आरक्यूबस इनकेस ही शुड बी अटैक बाय ट्विन और एक छोटा सा बंदूक ले ताकि ले ले ताकि ट्विन से ट्विन के अटैक से वो बच सके इसलिए उसने ये कर लिया और बिल्कुल मफलर अपने गले में बांध ले ताकि पानी के बूंद उसके ऊपर न, न गिर सके और वो वेट ना हो सके वो बीमार ना हो सके इस तरह से जो आपकी स्टोरी होती है जो बुक में देखे कंप्लीट होती है आई होप आपको समझ आ गया समझ में आया होगा सो वंस अगेन यू आर रिक्वेस्टेड you have to subscribe my channel as well as you have to share this to others